नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं सद्दाम आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं कोलफील्ड मिरर, हर पल आपके साथ। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। एमवीआई की गुंडागर्दी से खराब हो रही है बंगाल की छवि। प्रदेश में प्रवेश करने से डरते हैं मालवाहक वाहन चालक। दलालों और कमीशनखोरी के चक्कर में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही है काफी इजाफा। दरअसल बात यह है कि राज्य सरकार को भारी राजस्व देने वाले रामपुर चेक पोस्ट एमवीआई आरटीओ अधिकारियों की गुंडागर्दी पर आखिर कब लगेगा अंकुश। बताया जा रहा है कि आए दिन एमवीआई अधिकारियों की गुंडागर्दी के कारण सड़क दुर्घटनाओं में काफ़ी इजाफा हो रहा है। एमवीआई अधिकारियों की वाहन देख डर से भागने के क्रम में कई बार बड़ी दुर्घटनाएँ हो जाती हैं और इसके चक्कर में सड़क के पास के राहगीर वाहन के चपेट में आ जाते हैं। कभी कभी यात्री वाहन एवं स्थानीय लोगों को भी एमवीआई की इस रेसा रेसी के क्रम में ट्रक की चपेट में आकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। देख लीजिए, ताज़ा घटना रविवार सुबह की है। डीबूडी चेक पोस्ट के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर एक 12 चक्का ट्रक एमवीआई अधिकारियों के डर से तेज गति से भागने के क्रम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हालांकि इस घटना में चालक एवं सहायक चालक हताहत होने की कोई खबर नहीं हुई है। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को जब्त कर लिया एवं घायल चालक एवं सहायक का इलाज करवाया। जबकि दुर्घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 12 चक्का ट्रक संख्या WB23D5668 जो कोलकाता से धनबाद की ओर जा रहा था, तभी रामपुर चेक पोस्ट पर एमवीआई आरटीओ कार्यालय के समीप एमवीआई अधिकारियों की ट्रक वाहन ट्रक की कागजात समेत अन्य जांच के लिए पीछे लगी, जिसके बाद ट्रक चालक डर से तेजी गति से धनबाद की ओर भागने लगा। इस क्रम में डीबूडी चेक पोस्ट के नज़दीक ट्रक अनियंत्रित होकर अन्य वाहन के से टकरा गया, जिसमें सहायक चालक की तरफ का पूरा ट्रक हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद एमवीआई अधिकारी मौके पर यू टर्न मारकर भागने लगे। घटना को देख स्थानीय लोगों में काफ़ी रोष व्यक्त हो गया था। उसके बाद स्थानीय लोगों का आरोप लगाया कि एमवीआई अधिकारियों द्वारा मालवाहक वाहनों का पीछा करने के क्रम में अनेकों बार ऐसी घटनाएं होती हैं। घटना के बाद एमवीआई अधिकारी मौके से भाग जाते हैं, इसमें स्थानीय लोग एवं यात्री वाहन की जान पर बन जाती है। बताते चलें कि एमवीआई कार्यालय के माध्यम से भ्रष्टाचार पेड़ पैमाने में चल रही है, जहाँ बिना रिश्वत का कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। एमवीआई कार्यालय में अवैध एंट्री डंडा टैक्स के नाम पर बहुत बड़ा सिंडिकेट कार्य भी चल रहा है। राज्य में अन्य राज्यों से आने वाले सभी मालवाहक वाहनों को डंडा टैक्स के नाम पर टैक्स के अलावा कमीशन भी देना पड़ता है। बताया जा रहा है कि आरटीओ एवं एमवीआई अधिकारियों किसी भी ट्रक के पेपर में खामी निकालकर भारी भरकम रकम एवं जुर्माना वसूल करते हैं। राज्य में ओवरलोड ओवरराइड के पासिंग के नाम पर ट्रक प्रवेश कर कई होटलों में एंट्री के नाम पर मोटी रकम ली जाती है, जो सीधे आरटीओ अधिकारियों तक पहुंच जाता है। कमीशन काट कर मामले में चालकों का कहना है कि वह वाहनों के साथ पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने से डरते हैं। रामपुर आरटीओ कार्यालय में दलालों की गिरोह के आलम यह है कि यहां आप किसी भी कार्य के लिए सीधे स्वयं नहीं जा सकते हैं। वार्ड संख्या 35 में मंडलपाड़ा के दयनीय स्थिति को देखकर लोगों ने पार्षद का घेराव कर दिया। मामला आसनसोल नगर निगम अंतर्गत वार्ड संख्या 35 स्थित मंडलपाड़ा के निवासी ने स्थानीय पार्षद अख्तरी खातून के दफ्तर का घेराव कर इलाके में बिजली पानी सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव को लेकर गुहार लगाई, लेकिन अभी तक उनको कोई सुविधा नहीं मिली है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां पर इतनी ज़्यादा परेशानी है कि जीना दुर्भर हो गया है। यहां ना तो स्ट्रीट लाइट है, ना पीने का पानी की आपूर्ति ठीक तरह से होती है और ना ही सड़कों की हालत सही है। इस वजह से भारी दिक्कतें सामने आ रही है, लेकिन तकरीबन 10 साल बीत गए हैं, अभी तक समस्याओं का समाधान नहीं निकल पाया है। इस संदर्भ में अख्तरी खातून ने स्वीकार किया कि वार्ड के मंडलपाड़ा में परेशानियां हैं जिनका समाधान नहीं निकाला जा सका है। उन्होंने कहा कि पार्षद के तौर पर उन्होंने कई बार मेयर से इस समस्या का समाधान के लेकर के गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। उन्होंने स्वीकार किया कि परिस्थितियां इतनी ज़्यादा खराब है कि उनको अपने वार्ड में भी जाने में शर्म आती है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कई समस्याएँ हैं जिनके बारे में मेयर साहब से गुहार लगाई गई है, लेकिन 5 लाख रुपये
मेयर साहब से गुहार लगाई, जिसके बाद 5,000 रुपए के एक रकम के अलावा और कोई काम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि स्कूल पाड़ा से एक पिच रास्ते का निर्माण का काम पिछले 4 महीने से लंबित पड़ा है। यह कार्य सैंक्शन हो गया है, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। जब उन्होंने इसे लेकर मेयर से बात की तो इस बारे में उन्होंने इंजीनियरिंग विभाग में पता किया तो उनका जवाब मिला कि ठेकेदार सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस बारे में जब उन्होंने मेयर से बात की तो कहा कि 15 लाख रुपए के इस काम को वह 3 भागों में विभाजित कर 5-5 लाख रुपए का काम करवा कर इसे पूरा करवाएंगे। वहीं स्ट्रीट लाइट को लेकर के भी अख्तरी खातून ने अपना असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि जब ट्यूबलाइट लगाए जाते थे तब ट्यूबलाइट खराब होने पर तुरंत बदल दिया जाता था, लेकिन जब से एलईडी लाइट लगाई जा रही है खराब होने पर उनको जल्दी से बदला नहीं जाता है। उन्होंने बताया इस बारे में रानीगंज विधायक तापस बनर्जी को भी बताया गया है और उनको भी पता है कि यहाँ की परिस्थितियाँ कितनी भयावह है। अख्तरी खातून ने साफ कहा कि 29 तारीख को होने वाले बोर्ड मीटिंग में वह मेयर से पुरजोर तरीके से इस विषय में बात करेंगी। रानीगंज और जमुड़िया में हुए सड़क हादसे में 5 की मौत हो चुकी है। गाड़ी में लगे एयरबैग ड्राइवर की सुरक्षा नहीं कर सके और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर हुए सड़क हादसे में कार चालक समेत एक महिला की मौत हो गई। इस घटना के संबंध में ज्ञात हुआ कि रानीगंज थाना अंतर्गत रानीश्वर मोड़ स्थित राजमार्ग 2 पर आज सुबह 6 बजे पूर्व बर्धवान के घुसकरा से बिहार से गया के क्रम में इस 4 पहिए वाहन ने एक अज्ञात वाहन के पीछे से टक्कर मार दिया। सड़क हादसे में कार चालक हेमंत घोष 35 वर्षीय और रेखा सौर 55 वर्षीय की मौत हो गई है। दूसरी तरफ हादसा जमुड़िया थाना क्षेत्र के श्रीपुर चौराहे के पास 109 वाहन खड़ा था। रविवार की सुबह करीब 5 बजे मेदिनीपुर की तामलुक से मछली लदे एक ट्रक 407 वाहन में आसनसोल जाने के क्रम में खड़े वाहन में टक्कर मार दी। वाहन में सवार 45 वर्षीय शेख सफीरुद्दीन और 19 वर्षीय शेख साहिल की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर श्रीपुर पुलिस चौकी क्रेन की मदद से वाहन के केबिन को फंसे चालक को शेख सुकुबुद्दीन के कार को बाहर निकाला। वहीं चालक गंभीर रूप से घायल था, जिसे जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं जमुड़िया थाना अंतर्गत केंदापाड़ी के नजदीक वाहन की चपेट में आने से 16 वर्षीय राहगीर तमीम शेख की मौत हो गई है। मृतक जमुड़िया हिजल गोरा इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। किशोर बराकर रेल द्वारा आरपीएफ ने रेल यात्रियों को जागरूक किया। दरअसल आसनसोल रेल मंडल अंतर्गत बराकर आरपीएफ ने कालू बथानी स्टेशन पर रेल यात्रियों के बीच जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा रेल यात्रियों को मानव तस्करी, नशीले पदार्थ तथा आप अन्य अप्रिय घटना से सुरक्षित रहने के लिए सलाह दिया तथा बताया गया कि रेल यात्रियों को किसी भी तरह के संदेह होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर सूचित करें, ताकि विभाग एवं सदस्य यात्रियों की सुरक्षा कर सके। उन्होंने बताया कि अपराधी यात्रियों को नशीले पदार्थ खाने पीने की चीज़ों में मिला देता है, जिसके बाद व्यक्ति अचेत हो जाता है, अतः इसी क्रम में अनजान व्यक्ति उसे लूट जाते हैं। माकपा की ओर से कुल्टी में बाइक रैली निकाली गई। दरअसल माकपा की ओर से चोर धरो जेल भरो अभियान के तहत कुलटी में बाइक रैली निकाली गई है, जिसमें काफ़ी संख्या में संगठन के सदस्यों ने हिस्सा लिया है। रैली में शामिल माकपा व सीआईटीयू के वरिष्ठ नेता सुजीत भट्टाचार्य ने कहा कि तृणमूल सरकार ने भ्रष्टाचार की सीमा पार कर दिया है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के मंत्री नज़दीकी के घर के करोड़ों रुपये बरामद किए गए हैं। इसके अलावा सत्ताधारी पार्टी के नेता कट मनी में लगे हुए हैं। एक और जहां महंगाई नियंत्रित करने के से मांग पर सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है, वहीं राज्य सरकार की ओर से सरकारी राशन दुकान से मिलने वाली गेहूं को भी बंद कर दिया गया है, जिसके कारण लोगों की थाली से रोटी गायब हो चुकी है।